सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कंप्यूटर रिवाइवल को और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप सी सी प्लस प्लस पाइथन और जावा के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनसे अपडेट हो सके। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पाइथन के प्रोग्राम में रिकर्सन का जो पार्ट्स होते हैं उनको समझेंगे, जैसे डायरेक्ट रिकर्सन क्या होता है, इनडायरेक्ट रिकर्सन, टेल रिकर्सन, नॉन टेल रिकर्सन। मेनली जो चार पार्ट्स होते हैं उनमें हमें डायरेक्ट रिकर्सन को समझना है और इनडायरेक्ट रिकर्सन को इस वीडियो में समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा टेल और नॉन टेल या हेड रिकर्सन को समझाएंगे। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट रिकर्सन और इनडायरेक्ट रिकर्सन पे चर्चा करेंगे। तो डायरेक्ट रिकर्सन क्या होता है, जब हम कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं और उस सेम फंक्शन को कॉल करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, डायरेक्ट रिकर्सन होता है। रिकर्सन का मतलब होता है कोई फंक्शन को जब हम बार बार कॉल करके आउटपुट देते हैं तो वो मेरा होता है रिकर्सन। लेकिन डायरेक्ट रिकर्सन कब होता है, जब हम एक फंक्शन क्रिएट किए और उसी फंक्शन को फिर से कॉल कर रहे हैं बार बार, तो उस कंडीशन में होता है डायरेक्ट रिकर्सन। जैसे हम एग्जांपल में हम क्या करेंगे, नंबर प्रिंट करेंगे 1 to 10 या 1 to 100 इस तरह का। इसके लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं def, नेचुरल नंबर हमें प्रिंट करना है और n पैरामीटर में पास कर दिया, ठीक है। हमें अगर 10 नंबर प्रिंट करना है तो वो मेरा 10 इस n के थ्रू पैरामीटर से थ्रू क्या होगा, नेचुरल फंक्शन में इनपुट होगा। कंडीशन हम लगाएंगे इफ n लेस देन इक्वल टू 0, जब तक कि 0 के इक्वल नहीं होता है तब तक ये मेरा लूप नहीं ये आपका फंक्शन रन करेगा, और जैसे ही मेरा 0 होता है तो रिटर्न फंक्शन को कॉल करेगा और बंद हो जाएगा। अब क्या होगा, सिंपल हम प्रिंट करेंगे n को, और कैसे प्रिंट करेंगे, तो जब प्रिंट करेंगे आप तो स्पेस लगा देंगे, यानी नंबर एक प्रिंट होगा उसके बाद फिर स्पेस होगा फिर नंबर प्रिंट होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, फंक्शन को जो फंक्शन हम क्रिएट किए हैं उसी को कॉल करेंगे। कंडीशन क्या होगा, n को हम 1 time माइनस करेंगे, क्लियर। अब हम जब इसको फंक्शन जो हम क्रिएट किए हैं उसको जब हम कॉल करेंगे, यहाँ पे हम दे देते हैं 10, यानी हमें 10 नंबर प्रिंट करना है। उस कंडीशन में आप देखिए 10 to 1 मेरा प्रिंट हो गया, क्लियर। इसको अगर हम 30 to 1 प्रिंट करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में भी ये क्या होगा, मेरा 30 to 1 प्रिंट हो गया, क्लियर। अब इसको हम समझेंगे, सबसे पहले तो प्रोग्राम मेरा वर्क कैसे किया, तो इसको हम उठा लेते हैं। और एक चीज जो मेरा डायरेक्ट रिकर्सन कैसे है, ये तो डायरेक्ट रिकर्सन इसलिए है, तो नेचुरल फंक्शन हम क्रिएट किए थे और नेचुरल फंक्शन को ही हम कॉल कर रहे हैं। सिंपल आप देख रहे हैं, नेचुरल फंक्शन हम क्रिएट किए, यहाँ पे क्रिएट किए और नेचुरल फंक्शन को ही कॉल कर रहे हैं। अब हम डायरेक्ट इस रिकर्सन के पूरे प्रोसेस को समझेंगे डायरेक्ट रिकर्सन का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे ले आते हैं और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। फर्स्ट टाइम जब आप n इनपुट करते हैं तो यहाँ 10, अगर हम 10 हम n में कर दिए, यहाँ पे वैल्यू अगर करते हैं मेन फंक्शन में 10, तो 10 मेरा क्या होगा, पैरामीटर के थ्रू फंक्शन में इन होगा। इसके बाद क्या होगा, फर्स्ट टाइम मेरा कंडीशन चेक होगा n लेस देन इक्वल टू 0, चूंकि 0 या 0 के इक्वल टू नहीं है, देन उस कंडीशन में क्या होगा, मेरा प्रिंट हो जाएगा 10। नेक्स्ट टाइम नेचुरल फंक्शन आएगा, जैसे ही आएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, n का वैल्यू 1 माइनस होके आपका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 होगा तो फिर आपका प्रिंटिंग में आएगा, कंडीशन चेक होगा 9 क्या छोटा है 0 के इक्वल या 0 से छोटा है, चूंकि नहीं है उस कंडीशन में फिर से क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा 9। फिर मेरा फंक्शन आगे रन करेगा और फिर क्या होगा, मेरा n माइनस 1 नेचुरल फंक्शन हम फिर से कॉल किए, तो चूंकि हम एक ही फंक्शन को बार बार कॉल करें तो ये डायरेक्ट रिकर्सन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 होगा फिर से क्या होगा, कंडीशन जो है वो चेक होगा n लेस देन 0 या इक्वल है, नहीं है चूंकि, तो 8 मेरा फिर से प्रिंट हो जाएगा। जब 8 प्रिंट होगा तो फिर क्या होगा, नेचुरल फंक्शन कॉल होगा और n माइनस 1 होके कॉल होगा, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 7 होगा और फिर 7 प्रिंट होगा। इस तरह ये कब तक प्रिंट होगा, जब तक कि 0 या 0 से नीचे नहीं होता है। जैसे ही 0 लेस देन इक्वल टू हम दिए हैं, जैसे ही 0 आता है उस कंडीशन में मेरा लूप ब्रेक हो जाएगा, फंक्शन ब्रेक होगा और प्रिंट हो जाएगा। इस तरह हम क्या कर रहे हैं, ये डायरेक्ट रिकर्सन है, यानी नेचुरल फंक्शन हम क्रिएट किया और नेचुरल को ही कॉल कर रहे हैं, तो ये मेरा डायरेक्ट रिकर्सन है। अब हम इनडायरेक्ट रिकर्सन का एग्जांपल समझेंगे।
इनडायरेक्ट रिकर्सन में क्या होता है, जब हम एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं फिर उसमें हम किसी दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और दूसरे फंक्शन में फिर पहले फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, उस कंडीशन में होता है इनडायरेक्ट रिकर्सन। तो इनडायरेक्ट रिकर्सन का हम एग्जांपल समझते हैं। सबसे पहले सेम हम नेचुरल नंबर ही प्रिंट करेंगे, 1, 2 या 10, 2, 1 या 32, 1 इस तरह का ही। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस कंडीशन को हम सेम रखते हैं और यहाँ पे हम फंक्शन को जो हम नेचुरल वन नेचुरल किए हैं उस नेचुरल को चेंज करके हम कर देते हैं 1। ठीक है, क्योंकि हम नेचुरल वन फंक्शन कोई नहीं है इसलिए एरर दिखा रहा है। अब क्या करेंगे हम, फिर से def नेचुरल वन वन कर दिए और पैरामीटर में हम n पास कर देते हैं। जैसे ही n पास कर दिए उस कंडीशन में हम फिर क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। प्रिंट क्या करेंगे, n कॉमा इंड विथ स्पेस और फिर हम क्या करेंगे, नेचुरल जो मेरा पहला फंक्शन है उसको यहां कॉल करेंगे और n माइनस वन करेंगे। अब जब आप नेचुरल को कॉल करिएगा तो उसका कंडीशन में आउटपुट को समझिए, सेम मेरा प्रिंट कर रहा है, इसको हम समझेंगे ये मेरा इनडायरेक्ट रिकर्सन है। कैसे, तो इसको हम पहले उठा के क्या करेंगे, प्रिंट में लाते हैं। अब समझिए ये इनडायरेक्ट कैसे है। फर्स्ट टाइम हम नेचुरल फंक्शन जब क्रिएट किए थे तो उसमें हम अगर 10 इनपुट करते हैं, 10 से अगर समझते हैं, 10 इनपुट करते हैं तो क्या होगा, मेरा नेचुरल फंक्शन फर्स्ट टाइम हम चूंकि कॉल कर रहे हैं तो नेचुरल में मेरा क्या होगा, 10 इनपुट होगा। कंडीशन n लेस देन इक्वल टू 0 चूंकि नहीं है तो उस कंडीशन में मेरा क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा 10। 10 जैसे ही प्रिंट होगा फिर नेचुरल 1 कॉल होगा और उस कंडीशन में क्या होगा, माइनस 1 होके कॉल होगा। जैसे ही माइनस 1 कॉल होगा तो n का वैल्यू यहाँ पे आपका इन होगा 9 इन होगा। तो 9 आपका चूंकि प्रिंटिंग है, नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट है तो यहाँ पे आपका 9 प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या होगा, नेचुरल वन फंक्शन में मेरा 9 इन हुआ और फिर क्या हो गया, चूंकि हम नेचुरल फंक्शन को कॉल किए हैं और n का वैल्यू को माइनस 1 किए हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा, आपका माइनस 1 इक्वल टू 8 इनपुट होगा, यानी यहाँ आपका 8 हो जाएगा। जैसे ही 8 इनपुट होगा तो फिर कंडीशन चेक होगा, चूंकि n लेस देन इक्वल टू 0 है चूंकि नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा, 8 आपका प्रिंट हो जाएगा। फिर मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, नेचुरल वन कॉल किए हैं तो उस कंडीशन में क्या किया है, माइनस वन किए हैं तो 8 माइनस वन होगी, यहाँ पे क्या होगा आपका, 7 इनपुट होगा। फिर प्रिंटिंग है तो प्रिंटिंग 7 हो जाएगा। फिर हम नेचुरल कॉल किए हैं तो नेचुरल में क्या हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा। तो 6 इस नेचुरल फंक्शन में 6 इनपुट होगा और 6 मेरा चूंकि प्रिंट स्टेटमेंट चेक होगा, लेस देन इक्वल टू 0 है चूंकि नहीं है तो उस कंडीशन में फिर क्या होगा, 6 प्रिंट होगा। 6 प्रिंट होने के बाद फिर हम नेचुरल वन फंक्शन कॉल किए हैं, किस कंडीशन में, तो माइनस वन करके कॉल किए हैं तो नेचुरल वन में मेरा क्या हो जाएगा, ये 5 इनपुट होगा और 5 मेरा प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही 5 प्रिंट होगा तो फिर हम नेचुरल फंक्शन में को कॉल किए हैं तो कॉल क्या किए हैं, n माइनस वन, यानी n माइनस वन यानी ये 4 हो जाएगा। जैसे ही 4 होगा तो ये आपका नेचुरल में इनपुट होगा 4। नेचुरल में जब इनपुट हुआ तो फिर कंडीशन चेक होगा, एन लेस देन इक्वल टू 0 है चूंकि नहीं है तो उस कंडीशन में यहाँ पे आपका 4 प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट होने के बाद फिर क्या होगा, नेचुरल वन फंक्शन कॉल किए हैं एन माइनस वन करके, जैसे एन का वैल्यू हम माइनस वन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, नेचुरल वन में ये 3 आ जाएगा। 3 आएगा तो 3 आएगा तो क्या हो जाएगा, 3 कंडीशन में, 3 यहाँ पे कोई कंडीशन है नहीं तो यहाँ 3 क्लियरली प्रिंट होगा और फिर क्या होगा, n माइनस 1 करके हम नेचुरल को कॉल कर रहे हैं, यानी यहाँ आपका क्या हो जाएगा, 2 इनपुट होगा नेचुरल में। 2 इनपुट हुआ तो फिर कंडीशन चेक होगा, चूंकि कंडीशन चेक 0 नहीं है तो देन 2 मेरा प्रिंट होगा और फिर क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 यानी क्या हो जाएगा, यहाँ आपका 1 इनपुट होगा। 1 जैसे ही इनपुट होगा तो 1 यहाँ प्रिंट हो जाएगा। अब प्रिंट होने के बाद क्या होगा, नेचुरल चूंकि हम फंक्शन कॉल किए हैं माइनस वन यानी चूंकि 0 हो रहा है उस कंडीशन में क्या है, यहाँ पे रिटर्न फंक्शन होके क्या हो जाएगा, मेरा फंक्शन ब्रेक करके बंद हो जाएगा और मेरा आउटपुट 10 to 1 प्रिंट होगा। तो यहाँ चूंकि हम फर्स्ट नेचुरल फंक्शन क्रिएट किए थे, नेचुरल में हम कॉल किए नेचुरल वन को और फिर नेचुरल वन फंक्शन क्रिएट करके हम नेचुरल वन में नेचुरल को कॉल किए, यानी एक फंक्शन क्रिएट किए हैं उसमें दूसरे फंक्शन को कॉल किए हैं, दूसरे फंक्शन में हम पहले फंक्शन को कॉल किए हैं, तो ये हो गया आपका इनडायरेक्ट रिकर्सन। डायरेक्ट रिकर्सन क्या होगा, जब हम एक ही फंक्शन में दूसरे फंक्शन को एक ही फंक्शन में को बार बार कॉल करेंगे तो वो आपका हो जाएगा डायरेक्ट रिकर्सन।
इनडायरेक्ट कब होगा? जब हम किसी फंक्शन में दूसरे फंक्शन को कॉल करेंगे और दूसरे फंक्शन में पहले फंक्शन को कॉल करेंगे, वो हो जाएगा मेरा इनडायरेक्ट रिकर्सन। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट कीजिए। अगर आप किसी प्रोग्राम में हेल्प चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक इंस्टाग्राम का लिंक है, इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं।